सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब एनएच वालों ने पैसा दे दिया तो किसान का मुआवजा मिलना चाहा। तो बड़ी पीड़ा है किसान को, तो मतलब इतनी गर्मी हो रही, देख रहे हो इतनी गर्मी में धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं किसान दाता को। संघर्ष में जहाँ हमारे रिश्तेदारों का खून बहेगा, पसीना बहेगा, हम वहाँ खून देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हाईवे बनाना है तो किसानों को उसका उचित मुआवजा दो, और जो बाकी सुविधाएं हैं, और भी समस्याएं हैं इसके साथ साथ, अंडरपासों की हाइट कम है, पुलिया गहरी बना रखी है, पानी भर रहे, सर्विस रोड की दिक्कत है, इन सारी समस्याओं को लेकर आज ये पंचायत बुलाई गई थी। रास्ता क्या होगा क्या? रास्ता नहीं होगा, लठाओ अपना, मरेंगे मरेंगे, और क्या आंदोलन होगा, आंदोलन कर ले, मार मारे की चीज है, और तब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उद्योगपतियों की नजरें आपकी जमीन के ऊपर है, वे आपकी जमीन किसी भी सूरत में छीनना चाहते हैं। किसान की जितनी जमीन चली गई, जमीन तो दे ली, ज्यादा कागजों में है कम, ये तो यहाँ किसानों की मांग है। अब बात यह है, एनएच वालों ने सहारनपुर डीएम के खाते में, जिसके खाते में है सारा पैसा, इस जमीन का डाल दिया। जब एनएच वालों ने पैसा डाल दिया तो किसानों ने पैसा क्यों नहीं मिलता भाई? इन्हें पाकिस्तान भिजवा दो, डुआगा इनसे, फिर क्यों मांगेंगे पैसा? ऐसा कोई कानून हो, जब एनएच वालों ने पैसा दे दिया तो किसान का मुआवजा मिलना चाहा। हमें नहीं पता वह श्रेणी 132 की हो, 36 की हो, कह की हो, कह की हो, हमें नहीं पता, कह कहानी हम जानते हैं। हमको यू जाना है, धरती माता हमारी माँ है, माँ हर माँ ने नुई नहीं छोड़ने के भाई, यहाँ देख लियो तजर्बा करके, जिसे आना हो आज भाई। साहब आज पंचायत हो रही, क्या मुद्दे हैं आज के? आज की पंचायत का मुख्य मुद्दा तो यह है कि किसान जो अपने यहाँ हाईवे में जो जिनकी जमीन जा रही, उनको सरकार मुआवजा नहीं दे रही, उन्हें सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये कह रहे कि जमीन आपकी यहाँ है ही नहीं है, तो जब उनके पास खतौनी है, उनके नाम जमीन है, तो जमीन उनकी कैसे नहीं है? जमीन उनकी है, जब उनके पास खतौनी है तो उन्हें सरकार मुआवजा देना चाहिए। अब इतने हाईवे निकल रहे, ये जमीन तो हमें लग रहा है ऐसे ही चले जाएगी सारी हाईवे हाईवे में ही, और किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलता सही, तो बड़ी पीड़ा है किसान को। तो मतलब इतनी गर्मी हो रही, देख रहे हो इतनी गर्मी में ही धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं इस अन्नदाता को, तो ऐसी सरकारें हैं यहाँ की। हाईवे का काम बिल्कुल बंद है, टिकैत साहब ने भी निर्देश दे दिया, प्रशासनिक अधिकारी भी थे,
अगर हाईवे बनाना है तो किसानों को उसका उचित मुआवजा दो, और जो बाकी सुविधाएं हैं और भी समस्याएं हैं इसके साथ साथ, अंडरपासों की हाइट कम है, पुलिया गहरी बना रखी है, पानी भर रहे, सर्विस रोड की दिक्कत है, इन सारी समस्याओं को लेकर आज ये पंचायत बुलाई गई थी कलसी गाँव में। तो जब किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया तब प्रशासन ने ये चीज़ें सामने नहीं रखी थी कि भाई ये ढाक की जमीन है या कैसे? NHI ने पूरा पैसा भेज रखा प्रशासन के पास में, तहसील में पूरी जमीन का मुआवजा आकर रखा हुआ है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है तहसीलदार SDM लेवल के जो काला बोलते हैं, कलेक्टिव अथॉरिटी है जमीन की, उन्होंने अड़जा दिया किसान को। हमारे बच्चे आने वाली नस्ल कहाँ जाएंगे, कहाँ मकान बनेंगे, कहाँ जमीन होगी और कहाँ हमारा आगे जीविका चलेगी, क्या होगा हमारा? हम सब मजबूर हैं, इसलिए धरने पर मजदूर वर्ग भी साथ है और किसान भी साथ है, और तब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मारेंगे किसानों को सरकार, मारी जाए ना जाए कार ना सोच रही भाई ना जाए कार डेगी। और रास्ता क्या होगा? क्या रास्ता? नहीं होया बल्ला लट्ठा हो अपना, मरेंगे या मरेंगे वो, और क्या आंदोलन होगा? आंदोलन कर ले, मार मारे की चीज है वो तो। अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा की है ही नहीं, ना मुरली मनोहर जोशी की विचारधारा की है, ये है उद्योगपतियों की, और उद्योगपतियों की नजरें आपकी जमीन के ऊपर है, वे आपकी जमीन किसी भी सूरत में छीनना चाहते हैं। उसकी सरणी कुछ बताएंगे, कागजों से उठा के जाएंगे, भाई कब बनी होगी, राजा महाराजाओं की वो थी, लोग आड़ आड़ कर बस के होंगे, ढाक तो खड़े होंगे सब जगह, जंगल खड़े थे, लोगों ने तोड़ तोड़ के एक सार करी, किस राजा ने दी होगी, कहां मिली होगी, अब तो इसके बैनामे होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, स्टाम्प इस पर लगता है। तो देखिए आंदोलन से बचेगी ये देश, बगैर आंदोलन के चल ही नहीं सकता। रुपया।